आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत पर आरोप लगाते लगाते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने मांगी भारत में शरण, कहा पाकिस्तान की हालत बेहद खतरनाक। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर, गुटबाजी से परेशान उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस छोड़ी। छत्तीसगढ़ के मंत्री की बच्चों को सलाह, बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और एसपी की कॉलर पकड़ो। और जारी है बारिश का कहर, रेस्क्यू कर बचाया जा रहा है लोगों को। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मसला उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन किया जा रहा है। UNHRC मानवाधिकार उल्लंघन पर ध्यान दे, हम संयुक्त जाँच समिति के गठन की मांग करते हैं। हालांकि परिषद ने पाकिस्तान के इन मिथ्या आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य है। पाकिस्तान के UNHRC ने अनुरोध किया है कि कश्मीर के मुद्दे पर परिषद चुप न बैठे। पाकिस्तान ने मंगलवार को बैठक के दौरान कहा कि भारत ने कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने परिषद में कश्मीर को मानवाधिकारों का कब्रगाह बताया है। 42वें सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता UNHRC को वैश्विक मंच पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैंने मानवाधिकार परिषद का दरवाजा खटखटाया है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनी इस संस्था से हम कश्मीर के लोगों के लिए सम्मान और न्याय मांगते हैं। पाकिस्तान में जनता कितनी असुरक्षित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाक पीएम इमरान खान की पार्टी के एक पूर्व अल्पसंख्यक विधायक ने भारत में रहने की अनुमति चाही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के पूर्व विधायक रहे बलदेव कुमार फिलहाल भारत में है। उन्होंने पाकिस्तान की बेहद खतरनाक स्थिति का जिक्र किया है। एक समय इमरान खान के करीबी रहे इनकी पार्टी तहरीक ए इंसाफ पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी असुरक्षित हैं। हम वहां बड़ी मुश्किलों से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मुझे शरण दी जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू परिवारों के लिए भारत सरकार को पैकेज की घोषणा करनी चाहिए जिससे वे भारत आकर बस सकें। मैं चाहता हूं कि मोदी साहब उनके लिए कुछ करें, वे वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। वहां सिक्योर मिनॉरिटी नहीं, मुसलमान सिक्योर नहीं है, और क्या है, वहां बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं। मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही सालम की अपील की है कि मैं यहां सालम पर रहना चाहता हूं। मैं वहाँ नहीं जाऊँ, कम अज़ कम कोई पैकेज का ऐलान करें कि वो लोग भी पाकिस्तान से आएँ और यहाँ बसना शुरू हो जाएँ। पहले से अकली जो हमारे सिख और हिंदू फैमिली आई हुई हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं कि और इंडियन मोदी साहब जो हैं वो उनके लिए कुछ करें। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाले 8 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग स्थानीय लोगों को डराने के साथ ही उन्हें भड़काने के लिए विवादित पोस्टर्स का प्रकाशन करते थे। सोपोर पुलिस इन आतंकवादियों से हाल ही में सिविलियन क्षेत्र में की गई हत्याओं के बारे में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन आतंकियों के पास से कंप्यूटर के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद की है। इसमें पोस्टर प्रकाशन के लिए ड्राफ्टिंग भी पाई गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इन 8 आतंकियों में से 3 आतंकी लश्कर ए तैयबा के सहयोगी हैं, जो मुख्य अभियुक्त भी हैं। पुलिस ने सभी विवादित सामग्री को जब्त कर लिया है। इन लोगों द्वारा पोस्टर तैयार करने के साथ ही उन्हें स्थानीय इलाकों में पहुंचाया था। पता चला है कि इन्हें इस काम के लिए आतंकी फंडिंग भी करते हैं।
कांग्रेस में गुटबाजी का शिकार हुई अभिनेत्री से पॉलिटिशियन बनी उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए राजनीति में आई थी, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के चलते ये संभव नहीं है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस से अचानक इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े सपने लेकर उर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और वे एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बन गई थी। उर्मिला मातोंडकर ने मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाएं बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं, लेकिन मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूं। अक्सर अपने उठपटांग बयानों से सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर सुर्खियों में है। शिक्षक दिवस के मौके पर कवासी लखमा ने कुछ स्टूडेंट्स को बड़े नेता बनने के गुर सिखाए, जिसमें उन्होंने स्कूली बच्चों से कहा कि अगर बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और SP का कॉलर पकड़ लो। कवासी लखमा के इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। छत्तीसगढ़ के अफसर भी मंत्री की इस हरकत से नाराज हैं। अपने विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरने और विवाद में रहने वाले भूपेश बघेल सरकार के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कवासी लखमा का ये एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लखमा कुछ छात्रों को बड़ा नेता बनने के अजीबोगरीब गुर सिखा रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा अपनी मर्यादा भूलकर बच्चों से कह रहे हैं कि यदि बड़ा नेता बनना है तो कलेक्टर और SP का कॉलर पकड़ लो। वीडियो शिक्षक दिवस के दिन का बताया जा रहा है। कवासी लखमा सुकमा जिले के पावा रास में स्कूली बच्चों के बीच एक कार्यक्रम में गए थे। तब उन्होंने बच्चों को बताते हुए कहा कि उनसे किसी बच्चे ने पूछा, आप बड़े नेता कैसे बने, मुझे भी बनना है। तब मंत्री ने बच्चों को ये नसीहत दे डाली। दिलचस्प बात यह है कि लखमा ने कहा कि उस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य प्रभारी PL पुनिया भी मौजूद थे। वो कमर जाति का लड़का पूछा, बोले ना जितना मार्केट के वो पुंडिया साहब CM साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछते पूछते पूछा तो क्या बनोगे, एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया, वो खाना खाते खाते तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ। मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अलावा अगर EVM में कोई बटन दबाई तो बिजली के झटके लगेंगे। कवासी लखमा के स्कूली बच्चों को इस तरह की नसीहत दिए जाने के बाद कवासी के बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि बच्चों को इस तरह का ज्ञान देने वाले ये वही मंत्री हैं जो मंत्री बनने के बाद अपना शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पाए थे और उनको एक एक शब्द पढ़कर बताया गया था, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। BJP ने भूपेश बघेल के मंत्री के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि कवासी लखमा ने इस तरह के बयान को निराधार बताया है। उन्होंने कहा उनकी बात को गलत तरीके से लिया गया है। नेता बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच जाना पड़ता है। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा नर्मदा संरक्षण और संत समागम का काम चलता रहेगा, नर्मदा में मशीनों के द्वारा उत्खनन नहीं किया जाएगा। इस मसले पर जो संत कहेंगे वही कमलनाथ सरकार करेगी। कमलनाथ सरकार के मंत्री PC शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब नर्मदा नदी में मशीनों से उत्खनन नहीं किया जाएगा। नर्मदा के मसले पर कांग्रेस संत समाज की हर बात मानेगी। प्रदेश भर में हो रही अच्छी बारिश पर शर्मा ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अब समझ आ गया होगा कि मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के कदम अच्छे पड़े हैं। कमलनाथ के आने से मध्य प्रदेश के अच्छे दिन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होने से राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। बाबा ने ये भी देखा है कि नर्मदा जी अन्य जो नदियाँ हैं उसमें अवैध रेत का उत्खनन ना हो, नई उत्खनन नीति भी आ गई है, उसमें एक खास बात है बाकी सब चीज़ों के साथ साथ नर्मदा में मशीनों से उत्खनन नहीं होने दे, ये उसमें बात कही गई है। जनसंपर्क मंत्री ने कहा आदिवासियों के यहाँ बच्चा होने पर अब सरकार भोज देगी, यह हमारी सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला अच्छा कदम है, हम आदिवासी वर्ग के विकास की चिंता करते हैं। सिवनी से मंडला जा रही बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में आग लग गई। आनन फानन में मुसाफिर बस से नीचे उतर गए, वरना ड्राइवर की गलती से बड़ी जनहानि हो सकती थी।
सिवनी के मंडला जा रही यात्री बस में बेरलीपार गांव के पास एक हादसे के बाद आग लग गई। आग लगते ही बस धू धू कर कर जलने लगी। गनीमत रही कि हादसे के बाद सभी मुसाफिर वक्त रहते नीचे उतर गए थे, वरना बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। बस सिवनी से मंडला जा रही थी, तभी बेरलीपार गांव के पास एक बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर बस को लेकर भागने लगा। इसी दौरान बाइक बस में फंस गई और ड्राइवर 8 किलोमीटर तक उसे घसीटता हुआ दौड़ाता रहा। इसी दौरान बाइक से चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते आग भड़क गई। बस के अगले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर के भीतर ही बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू कर लिया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छतरपुर में कलेक्टर की मनमर्जी के किस्से आम हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति को कलेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया। विधायक घंटों कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े रहे, लेकिन सूचना देने के बाद भी कलेक्टर ने विधायक को मिलने का समय नहीं दिया। नाराज विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है। छतरपुर के कलेक्ट्रेट में अजीब स्थिति देखने को मिली, जहां एक विधायक को कलेक्टर ने एक घंटे तक मिलने का समय नहीं दिया। गुस्साए विधायक ने कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन तक करने की धमकी दे डाली। बीजेपी से जिले के एकमात्र चंदला सीट से विधायक राजेश प्रजापति जनता के किसी काम को लेकर कलेक्टर मोहित बुंदास के पास गए थे। सूचना देने के बाद भी कलेक्टर ने एक घंटे तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, तो विधायक उत्तेजित हो गए और कलेक्टर की इस हरकत के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी देने लगे। बाद में नाराज होकर कलेक्टर से मिले बिना ही वापस चले गए। यह वही कलेक्टर हैं जिनको हटाने के लिए सपा के एकमात्र विधायक राजेश शुक्ला और कांग्रेस के 4 विधायक उनकी कार्यशैली के खिलाफ सीएम से उन्हें हटाने तक की मांग कर चुके हैं। चार महीने से आदमी आया हुआ है, 4 महीने से चक्कर मार रहा है, लेकिन कलेक्टर साहब को मिलने का समय नहीं है। इतने आवेदन लिए खड़े हुए हैं, एक भी आदमी से मिलने का समय नहीं है। नहीं तो 10-10 मिनट में एक एक आदमी को बुला करके मिल सकते हैं। कोई नहीं, किसी को नहीं बुलाया हमें, तो हम तो जनता थी। जब हमें नहीं बुलाया गया तो इनको तो और नहीं, इनको तो कीड़े मकोड़े समझता है। इसके खिलाफ 11 तारीख को आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करेगी। भोपाल में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से एक जर्जर मकान पलक झपकते ही जमीन दोज हो गया। जर्जर मकान के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इसके मलबे में कई वाहन दब गए हैं। भोपाल में भारी बारिश हो रही है, कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं आज दोपहर तापड़िया कॉम्प्लेक्स के पास खजांची नाले में 2 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसके चलते कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। हादसे की जानकारी मिलते ही निगम अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस बिल्डिंग में किराना दुकान का गोदाम था और ये इमारत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन नगर निगम ने इसे अब तक नहीं गिराया था। आमतौर पर इमारत के आसपास काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज बारिश के चलते गोदाम नहीं खुला था, वरना बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। बिल्डिंग गिरने का यह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अचानक कुछ सेकंड में इमारत गिरती नजर आ रही है और आसपास धूल का गुबार उठता दिख रहा है। जैसे ही धूल का गुबार छटता है तो मलबे में दबी गाड़ियों की तस्वीर नजर आ जाती है। सागर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं किसानों की सभी फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों को सबसे बड़ा झटका उड़द की फसल से लगा है, जो पूरी तरह से तबाह हो गई है।
लगातार हो रही बारिश ने अब तबाही के मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। सागर जिले में सब्जी उगाने वाले किसान फसल खराब हो जाने से परेशान थे। ऐसे में बारिश ने खेतों में जलभराव कर दिया है। खेतों में पानी का भराव होने से उड़द के पौधे गल गए हैं। उड़द के जो पौधे कुछ बड़े हुए थे उनमें बारिश की वजह से फूल और फलियां झड़ गई हैं। सागर क्षेत्र में सभी खेती अफलन की शिकार हो गई है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं। गढ़कोटा तहसील के किसानों ने तहसीलदार को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। अचानक पानी का स्तर बढ़ने से धसान नदी के टापू में फंसे ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इन सभी ग्रामीणों को होमगार्ड के जवानों ने 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला। छतरपुर में धसान नदी के टापू पर फंसे 9 ग्रामीणों को सकुशल रेस्क्यू टीम के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बमनौरा थाना के कुटेरा गांव से निकली धसान नदी में उस समय यह ग्रामीण फंस गए जब वे धसान नदी की दूसरी ओर अपने खेत पर बकरी चराने गए थे। धसान नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से ये सभी 9 ग्रामीण धसान के टापू में फंस गए थे। जब प्रशासन को सूचना लगी तो होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोटर और रस्सी की मदद से 4 घंटे के बाद इन लोगों को निकाला जा सका। प्रशासन और रेस्क्यू टीम की तत्परता और सतर्कता के चलते ग्रामीणों की जान बचाई जा सकी। 2 दिन से हो रही बारिश से भोपाल की प्यास बुझाने वाला कोलार डैम भी लबालब हो गया है। फुल टैंक लेवल के करीब पहुंचते ही डैम के 2 गेट खोल दिए गए। इस दौरान घने जंगलों से घिरे इस विशाल डैम का मनोहारी दृश्य देखते ही बन रहा था। शहर की जरूरत के हिसाब से इस बार 3 साल का पानी जमा हो गया है। पिछले 32 साल में 4थी बार कोलार डैम फुल हुआ है। भारी बारिश में 3 साल बाद कोलार डैम छलका है। इससे पहले 2016 में कोलार डैम के गेट खोले गए थे। सोमवार की शाम कोलार डैम के 2 गेट खोले गए। बीते शनिवार से लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार दोपहर 12 बजे के बाद कोलार डैम के जलस्तर में इजाफा होने लगा था। इसके अलावा कलियासोत डैम के इस सीजन में रिकॉर्ड 18 घंटे गेट खोले गए। कोलार की जल स्तर क्षमता अधिक होने के कारण FTL की स्थिति बारिश में 3 माह बाद बनी है। गेट खोलने से पहले जल संसाधन विभाग ने जिला प्रशासन व नगर निगम को सूचना दी थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात को काबू किया जा सके, साथ ही कोई अप्रिय घटना ना हो। कोलार बांध का FTL 462.20 मीटर है। कोलार डैम में 61 MCM पानी शहर के लिए जाता है। सीहोर जिले में सिंचाई के लिए यहां के पानी का उपयोग होता है। कोलार की 265 MCM कुल पानी भराव की क्षमता है, मतलब शहर में कोलार से होने वाले 3 साल तक पानी सप्लाई की समस्या नहीं होगी। भोपाल के लिए कोलार में प्रतिदिन 1.65 क्यूसेक पानी लिया जाता है। डैम की अधिकतम जलभराव क्षमता को बनाए रखने के लिए डैम में 3.29 क्यूसेक पानी की निकासी की गई, मतलब छोड़े गए पानी से शहर को 2 दिनों तक पानी सप्लाई की जा सकती है। एक गर्भवती महिला जब बाढ़ में फंस गई तो उस वक्त बचाव दल के होमगार्ड और डॉक्टर उसके लिए भगवान बनकर आए। बचाव दल के होमगार्ड और डॉक्टर ने बाढ़ में घिरे गांव से गर्भवती महिला को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे व महिला दोनों सुरक्षित हैं। आपने डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते जरूर सुना होगा, लेकिन आज देखने को भी मिला। बारना डैम के गेट खोलने और अधिक बारिश होने के कारण बरेली नगर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। बरेली तहसील से 3 किलोमीटर दूर पर ही स्थित ग्राम मेहरा गांव सहित कई ग्रामों का बरेली तहसील से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है, जिससे गांव वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव वालों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जब एक ग्रामीण गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई और उसकी डिलीवरी का समय हो गया था, तब आशा कार्यकर्ता की सूचना पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी बरेली गिरीश वर्मा ने सराहनीय कार्य किया, जिसकी नगर में भरपूर प्रशंसा की जा रही है। डॉक्टर ने एक माँ और जुड़वा बच्चों की जान बचाई। अस्पताल से DMO साहब और पूरी टीम शायद मेरा गाँव पहुँचे बोट से, और वहाँ से फिर हम बैठ के और कुलता को खुल सके गाड़ी से यहाँ हॉस्पिटल आए। डॉक्टर गिरीश वर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे TNM सीमा पांडे द्वारा मुझे
सूचना दी गई कि ग्राम मेहरा गांव खुर्द में एक गर्भवती परेशानी से जूझ रही है, जिसकी सोनोग्राफी में जुड़वा बच्चे होना बताया गया है और उसे दर्द आ रहे हैं। मैंने उसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए तुरंत तहसीलदार निकिता तिवारी से बात की। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और SP मोनिका शुक्ला, SDOP SC बोहित, थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती को उस बात से अवगत कराया तो उन्होंने प्रशासन द्वारा तुरंत मोटर बोट की व्यवस्था की। 2 वोट चालक तथा 2 सुरक्षाकर्मी एवं भूपेंद्र राजपूत के साथ मैं स्वयं उस वोट में जाकर उस गर्भवती महिला को सुरक्षित बरेली लेकर आया और सिविल अस्पताल में बरेली में भर्ती कराकर उपचार शुरू किया। गर्भवती महिला ज्योति सिलावट ने रात 10:16 पर लड़के को जन्म दिया और रात 11:34 पर एक लड़की को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा पूरी रूप से स्वस्थ हैं। डॉक्टर अंबेडकर भवन और पुरानी कन्याशाला में बाढ़ पीड़ित 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनका लगातार स्वास्थ्य प्रशिक्षण गिरीश वर्मा द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मेरे को 3 बजे खबर मिली कि एक महिला है ऐसी फंसी हुई है मेरा गांव खुर्द में, और वो किसी भी तरफ से उसको निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा था और उसको पेन आ रहे थे, दर्द आ रहे थे डिलीवरी के। जैसे ही मेरे को ANM द्वारा बताया गया तो मैंने तुरंत तहसीलदार मैडम को मैंने बताया कि मैडम ऐसी बोर्ड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। महिला को लेके आया, महिला को फिर यहाँ पर लेकर देखा तो वाकई लेबर में थी, हालांकि तुरंत नहीं होना था, टाइम डिलीवरी के टाइम था, रात का कोना था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि समय रहते हैं, मैं सूचना मिल गई, समय रहते हैं महिला को लेके आता है यहाँ। आधार कार्ड जैसा जरूरी दस्तावेज जो व्यक्ति की पहचान माना जाता है, जिसके गलत हाथों में लगने से किसी को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे बांटने की जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस की होती है, मगर लोगों के आधार कार्ड उनके घर पहुंचाने की जगह उन्हें नाले में फेंक दिया गया। भोपाल के द्वारका नगर नाले में बड़ी संख्या में आधार कार्ड पड़े मिले हैं। पोस्ट ऑफिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोस्टमैन द्वारा आधार कार्ड बांटने की जगह नाले में फेंक दिए गए। ये सभी कार्ड खुशीपुरा कोच फैक्ट्री द्वारका नगर निवासियों के हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री कर्मचारियों दीपक मिश्रा चौबे और दिवाकर गुप्ता ने ड्यूटी जाते वक्त इन्हें एक पन्नी बीनने वाले को नाले में से उठाते देखा। आधार कार्ड से फर्जी तरीके से उपयोग करके कोई भी बैंक से पैसे निकाल सकता है, मोबाइल की सिम ले सकता है, सहित अन्य फर्जीवाड़े भी कर सकता है। नाले के अंदर मिले मुझे सब, कचड़ा बीनने गया था नाले के अंदर मिले, कोई डाल गया कचड़े में मिले। फेसबुक पर एक लड़के ने पहले तो नाबालिग से दोस्ती की और फिर मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ाया। कुछ ही दिनों में दोस्ती इतनी गहरी कर ली कि नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को इसकी जानकारी लगी। परिजनों ने शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के सेवानगर निवासी शिव ठाकुर ने एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची से फेसबुक पर पहले दोस्ती की और फिर मिलना जुलना बढ़ाया। कुछ समय बाद शिव ठाकुर ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया और उसके साथ आए दिन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। बच्ची जब गर्भवती हो गई तो उसके अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसकी जानकारी बच्ची ने जब परिजनों को दी तो परिजनों ने जब मेडिकल चेकअप करवाया तो बच्ची के पेट में 7 माह का गर्भ पल रहा था, जिसके बाद बच्ची से पूछताछ की गई। बच्ची ने बताया कि उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से शिव ठाकुर नामक युवक से हुई थी और वह बहला फुसला कर कई बार अपने साथ ले गया था। बच्ची के बताने के बाद परिजन ग्वालियर के पड़ाव थाना पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को बताई। बच्ची की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की है जिसकी फेसबुक पर एक शिव ठाकुर नाम से एक लड़के से दोस्ती होती है, उसी दौरान दोस्ती के दौरान ही इन आपस में इनका मिलना जुलना चलता रहता है, उसी दौरान उनके साथ गलत काम करता है। उसकी सूचना पर 2 दिन पहले एक अपराध कायम हुआ 376 और पॉस्को एक्ट के तहत। अभी उसमें विवेचना जारी है, लड़के मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और आरोपी की अभी तलाश जारी है। कांकेर में एक तेंदुए को कड़कनाथ मुर्गे का स्वाद ऐसा पसंद आया कि वह रोज पोल्ट्री फार्म में आकर कड़कनाथ मुर्गे का शिकार करने लगा। पोल्ट्री फार्म संचालकों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी तो इस तेंदुए को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा गया। कांकेर के ग्राम पंचायत ठेलका बोर्ड के पोल्ट्री फार्म में लगातार एक सप्ताह से तेंदुआ घुसकर मुर्गियों को अपना शिकार बना रहा था। यह तेंदुआ यहां कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे मुर्गियों को अपना शिकार बनाता था और कुछ ही दिन में 70 मुर्गे चट कर चुका था। इस तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने पोल्ट्री फार्म में पिंजरा लगा दिया और बीती रात फिर शिकार करने पहुंचा तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया।
तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर शहर से दूर जंगल में छोड़ दिया, तब जाकर गांव वालों को राहत की सांस मिली। यहां शिकायत मिल रही थी कि तेंदुआ जो है रात्रि में आकर के उनके द्वारा जो कड़कनाथ मुर्गी जो पाले हुए हैं उनको मुर्गियों को खा रहा है और मार के नष्ट भी कर रहा है। तो दो तीन आठ दिनों पर शिकायत मिलने के बाद फिर हम लोग को अधिकारियों से परमिशन लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों से परमिशन लेकर के आए, उसके लिए जाली रखे और जाली में मुर्गी को अंदर डाला गया। आज रात्रि में उनका फिर तेंदुआ जो है मुर्गी खाने के लालच में जाली में घुसा और जाली में कैद हो गया कि अब ये इसको वरिष्ठ अधिकारियों से भी निर्देश प्राप्त किया जाएगा कि इसको कहाँ छोड़ना है, उसके बाद इसको किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ा जाएगा। इस तेंदुए ने अब तक तकरीबन 70 से अधिक कड़कनाथ मुर्गों को अपना शिकार बना लिया था। इससे गाँव और दुकानदार दहशत में थे। कड़कनाथ के चक्कर में यह तेंदुआ हमेशा गांव के आसपास घूमता रहता था। वन विभाग ने कई दफा तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया लेकिन वो उसमें फंस नहीं रहा था। लोग तेंदुए के खौफ की वजह से शाम 6 बजते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर अंदर दुबक कर रहते थे। बता दें कि कांकेर शहर और उसके आसपास के इलाकों में लंबे समय से हिंसक वन्य जीवों का आतंक रहा है। पिछले दिनों मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। नमस्कार, भैंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है बता रहे हो। पूरे ताल तलाइए लावाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊँ कैसे खुलती है। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी, फिर लेके आया मैं। गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको स्कूल लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे। वो मैं बता रही हूँ, असली लोकतंत्र कांग्रेस में है, गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। वो मैं बता रहा, चिट्ठियाँ लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज़ है चिट्ठियाँ विट्ठियाँ। और दूसरा उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। ये खबर ये देखो, चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। तो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहे हैं कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल जा तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5-स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, तो आखिरी टाइम वही निकालना है। और ये खबर ये देखो मज़ेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है ये 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। वो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि भैया भैया हम तो अब यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती, हम देखो ऐसे तो बात ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट हैं वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें, अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनको ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ये खबर देखो, पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय भी बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी चाय बना जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ ये पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान, कहीं हाँ भविष्य में पीएम बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं। हेलमेट नहीं पहनो को 1000 रुपये, शराब पी किया को 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनाओ ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में, तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा, हैं वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग फीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है।
और मैं तो चला भैया मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. Sangeet ki swar lehriyon se sanskritik taane baane tak, chambal ke peedon se naxalwadiyon ke garh tak, jhopdi se mahalon tak, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल